पिटबुल कुत्ता, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा कि सबसे खतरनाक कुत्ता अगर कोई है तो वो यही है। हमारे इंडिया में पिटबुल कुत्ता रखना पूरी तरह बैन है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के शौक सरकार के आदेशों के विरुद्ध है। अब सरकार ने पिटबुल कुत्ते को रखना बैन कर रखा है तो इसकी कोई वजह तो होगी, ऐसा ही तो बैन नहीं रखा होगा। वही हरियाणा करनाल से एक ऐसी खबर से सुनकर तो एक बार आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल हरियाणा में एक पिटबुल कुत्ते ने सीधे युवक के प्राइवेट पार्ट को ही काट डाला, जिसके बाद गुस्से में आग बबूला लोगों ने कुत्ते को बेरहमी से डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी जाँच की जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस को भी इसकी शिकायत कर दी गई है। उक्त मामले को लेकर पुलिस जाँच कर रही है। बता दें कि घटना करनाल के बिजना गाँव की है, गुरुवार की सुबह हुई है। गाँव का रहने वाला किसान करण शर्मा पेशे से किसान है, वर्तमान में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल की कटाई कर रहा है। करण गेहूं काटने वाली मशीन चलाने का काम करता है। जब वो मशीन के पास पहुंचा तो देखा कि मशीन के नीचे पिटबुल कुत्ता बैठा है। करण ने पिटबुल को भगाने का प्रयास किया, मगर कुत्ते ने भागने की जगह करण पर हमला कर दिया। वहीं गुस्साए पिटबुल ने अपने नुकीले दांत से करण की जांघ पर गड्ढा कर दिया। वहीं करण ने जब कुत्ते को हटाया तो उसने करण के प्राइवेट पार्ट पर ही हमला कर दिया और बुरी तरह से काट लिया। वहीं पिटबुल कुत्ता बहुत खतरनाक होता है, यह कई बार लोगों को भयंकर रूप से काट चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसे घर में पालते हैं। वहीं करण के मामले में डॉक्टर का कहना है कि युवक को कई सारे टाके आए हैं, लेकिन युवक अभी स्वस्थ है। वहीं परिवार का कहना है कि कुत्ता छोड़ ही नहीं रहा था, उस पर जब डंडे से वार किया तब जाकर उसने छोड़ा। वहीं परिवार का ये भी कहना है कि किसी ने कुत्ते को पालने के बाद अब आवारा छोड़ दिया है।